हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिशियली मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज के वीडियो में मैं आपके ही एक क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। कई ढेर सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं, सर मुझे जल्दी से जॉब चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जल्दी से जॉब चाहिए, ऐसा क्या करूं कि क्विक जॉब लग जाए। मैं साइट पर परेशान हो गया हूं या फिर जो भी डिफरेंट जॉब कर रहा हूं उसमें मजा नहीं आ रहा है। कई कुछ लोग कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर मुझे अपनी इंडस्ट्री में कुछ करना है और जल्दी से करना है, घर वालों का प्रेशर है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो आज का बहुत ही यूजफुल हो सकता है और बहुत कम टाइम में, बहुत कम लर्निंग में अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इस तरह का ये वीडियो आपके लिए है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। गाइस, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऑफिस जॉब में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादातर रेस्ट करती है। तो अगर ऑफिस जॉब की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रेस्ट करता है वो आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर इंडस्ट्री होता है। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को अगर पूरी तरीके से कोरिलेट करोगे तो बीम इंडस्ट्री में आता है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर का एक अलग ही इंडस्ट्री है। स्ट्रक्चर डिटेलिंग तक पूरा का पूरा अलग इंडस्ट्री है। मैं बात करूंगा क्विक जॉब की, तो क्विक जॉब आर्किटेक्चर इंडस्ट्री से आता है। सो आज का ये पूरा वीडियो आर्किटेक्चर इंडस्ट्रीज को डेडिकेटेड है। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। गाइस, अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। मैं बेसिक से एडवांस तक का पूरा लेवल आपको बता दे रहा हूं। जितना करते जाओगे उतना बेटर आप सैलरी ग्रोथ पाते चले जाओगे। गाइस, अगर आपको आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो सबसे पहले ऑटो कैड को बेस्ट करो। सिर्फ टूल्स नहीं, ड्राफ्टिंग का लेवल, सेक्शन, एलिवेशन अच्छा करो। उसके साथ ही साथ अपने रेरा के रूल्स और वास्तु शास्त्र वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर करो, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना सीखो। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे, वैसे तो 15 दिन के अंदर हो जाओगे। इसके बाद गाइस, आप दूसरा जो इंटरेस्ट दिखाओ वो दिखाओ रेविट सॉफ्टवेयर के ऊपर। रेविट में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों सीखोगे तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। तो ऑटोकैड के बाद रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों को सीखने में मैक्सिमम जो टाइम लगने वाला है 20 डेज टू 25 डेज लगने वाला है। ठीक है, मैं 20 डेज अगर पकड़ के चलूं तो 20 ये मान लीजिए और 20 ऑटोकैड, केवल 40 दिन लगते हैं। 20 डेज ऑटोकैड के लिए, 20 डेज आपका रेविट के लिए। ये 40 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, मतलब एक महीना 10 दिन। अब इसके बाद आप कौन कौन सी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो एज अ 3D मॉड्यूलर। आप अप्लाई कर सकते हो एज अ 3D मॉड्यूलर, क्या बात है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो एक्सटीरियर डिजाइनिंग जॉब्स पे, जो बिल्डिंग के अच्छे अच्छे डिजाइन करते हैं। आप अप्लाई कर सकते हो बीम मॉड्यूलर के लिए। ये सब कुछ किस पे होता है? रेविट पे होता है। ठीक है, किस पर? बीम मॉड्यूलर पे। आप बीम मॉड्यूलर की जॉब पे अप्लाई कर दो, 3D मॉड्यूलर की जॉब पे अप्लाई करो, तो दो जॉब तुरंत ही खुल गए आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद आप कहते हो कि सर मैंने ऑटोकैड भी सीख रखा है, रेविट भी सीख रखा है, बट रेंडर में वो क्वालिटी नहीं आता जो प्रोफेशनल लेवल पे देना पड़ता है। तो भाई, उसके लिए छोटा सा एक प्लगइन होता है इनस्केप। क्या होता है इनस्केप? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आपको डाउनलोड करना रहेगा तो कर लेना। कई ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, इनस्केप डाउनलोड करके अपने रेविट में इंक्लूड कर दो। ये प्लगइन है जो आपके रेंडर की क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। आपको इनस्केप से नफरत है या फिर ब्रेकअप हो गया है तो फिर आप वीरे भी यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो? वीरे को यूज कर सकते हो अपने इस काम के लिए। गाइस, ये दोनों जो इंडस्ट्रीज है ये तो बेटर आपको बना ही रही है, मतलब ऑटोकैड रेविट आपको जॉब दे देगा। अब कई लोग सोचते होंगे, सर मैंने ये दोनों सीख रखा है, अब व्हाट नेक्स्ट? तो भाई, नेक्स्ट के लिए अगर आप स्केचअप को सीख लेते हो तो स्केचअप पे रेंडरिंग की जो क्वालिटी होती है, मॉडलिंग तो नो डाउट रेविट की अच्छी है, बट स्केचअप पे रेंडरिंग की जो क्वालिटी होती है बहुत बेहतरीन रहती है। तो इसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप स्केचअप को अपग्रेड कर लीजिए। स्केचअप सीखने में मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, अभी भी आप 2 महीने में नहीं कंप्लीट हुए हो, अभी 2 महीना हुआ नहीं है आपका, राइट? क्यों? 40 दिन प्लस 15 दिन कितना हुआ? 55 दिन हुआ, अभी 5 दिन बचा हुआ है। कई लोग सोचते होंगे, सर मेरा ना मतलब हाई लेवल का ड्रीम है कि मैं एक्सटीरियर डिजाइन में या इंटीरियर डिजाइनिंग में बेस्ट रेंडर दूं। तो भाई, इसके लिए आप वन एंड ओनली 3ds Max को सीख लीजिए।
किसको सीख लीजिए, 3ds Max को सीख लीजिए। अब अगर आपने यहां तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया 3ds Max, जिसमें वीरे अच्छे से पढ़ा ना, वो काम चलाओ वाला नहीं, वीरे अच्छे से एक एक टूल का मतलब, लाइट का मतलब, रेंडर का मतलब, कैमरा का मतलब, वीरे अच्छे तरीके से 3ds Max के अंदर सीख लो। कितने सॉफ्टवेयर्स लगे टोटल? ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप और 3ds Max कंप्लीट अगर आपने कर लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 to 75 days, ठीक है। वैसे आप ऑटोकैड और रेविट के बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, आपकी जॉब लग जाएगी। अब आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आपने अगर इतने सॉफ्टवेयर सीख लिए तो आप एज अ ड्राफ्टमैन भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑटोकैड आता है। आप एज अ स्केचअप मॉड्यूलर भी यूज कर सकते हो, या फिर 3D मॉड्यूलर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने 3ds Max सीख रखा है तो आप एक्सटीरियर डिजाइनिंग तो कर ही सकते हो, उसके साथ ही साथ इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद 3D मॉड्यूलर की जॉब तो 100% आप अप्लाई कर ही सकते हो। तो और उसके बाद अगर आपने रेवी स्ट्रक्चर भी इसी में सीख रखा है तो आप स्ट्रक्चर डिटेलर की भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब 4 से 5 इंडस्ट्रीज आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में है, जिनके लिए मुश्किल से 35 से 40 दिन आपकी लर्निंग होगी, इसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कई ढेर सारे लोग होंगे जो उनके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो ठीक है कि हमने सीख लिया, ठीक है, अब इसके बाद अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए मैंने कई बार बताया है कि बेस्ट रेंडर करना सीख लो। कैसे सीखना है? इनस्केप के थ्रू कर लो, अगर इनस्केप नहीं जम रहा है तो वीरे के थ्रू करना सीख लो। अगर इन दोनों से भी आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप फोटोशॉप सीख लो भाई, बहुत ईजी है, 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में फोटोशॉप में वो चीज सीख जाओगे जिसको करने में इन दोनों सॉफ्टवेयर में बड़ा हालत खराब होता है, बहुत बच्चा वाला सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ठीक है। आप वहां से रेंडर करके लाओ, यहां पर इसकी लाइटिंग, यहां पर जो भी एक्सटीरियर चीज ऐड करनी है, 1 घंटे का फोटोशॉप यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बताया हुआ है, आप बोलोगे तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। फोटोशॉप का पूरा वाला नहीं आता मुझे भी, मुझे क्या आता है, मुझे अपने काम का मतलब सिंपल का रेंडर क्वालिटी कैसे बढ़ाना, ये सारी चीजें आती है, हम वो वाला नहीं है पोस्टर डिजाइन करें। तो कुल मिला के फोटोशॉप सीख लो 1 घंटे का, जिसमें आप केवल अपने फोटो की क्वालिटी को इंक्रीज करना सीख लो भाई। मुश्किल से मुश्किल ये पूरी की पूरी, मैं जो पैनल आपको बताया, ये ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, 3ds Max और फोटोशॉप, इसका पूरा कॉम्बिनेशन मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लेके भी आने वाला हूँ। मतलब एक पूरा कोर्स डिजाइन कर दूंगा इसके लिए, जिसे ऑल इन वन किया है पूरा स्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही इसके लिए भी मैं एक कोर्स डिजाइन कर दूंगा, इसी वीक में शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप इसको अगर आपने सीखा है या फिर कहीं से सीख रहे हो तो बेस्ट पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने के बाद जहां पर भी ओपनिंग्स है वहां पर अप्लाई करो विद पोर्टफोलियो, उनको दिखना चाहिए ना कि आपके काम की क्वालिटी क्या है, ठीक है। लोग क्यों सर्च करते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस बनना चाहिए, एक्सपीरियंस के क्या पूंछ लगे होते हैं? नहीं, एक्सपीरियंस का काम बोलता है। तो मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस के काम बोलने से अच्छा है कि हम इतनी बेटर क्वालिटी का काम करके उनको दिखा दें कि देख लो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे बेटर मैं कर सकता हूँ। मेरे बैच में बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं, मनीष है, पवन है, कुलदीप है, ये लोग 3ds Max में इतना बेटर बना रहे हैं, मतलब मुश्किल से अभी 15-16 क्लास हुए हैं और ये लोग इतने बेहतरीन लेवल पे ये काम कर रहे हैं कि इन लोगों की रेंडरिंग तो फिक्स है और इनकी जॉब ऐसे ही फिक्स हो जाएगी। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन। तो कुल मिला के अगर आपको क्विक जॉब चाहिए, आपको स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में मजा नहीं आ रहा है, फिर उसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप आर्किटेक्चर इंडस्ट्री आपकी खुली हुई है। ये 4 से 5 सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे, अगर इनको आपने सीख लिया तो आपका करियर बेहतर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं नहीं कहता कि साथ ही सारे सीखो, आपका बजट कम है तो आप ऑटोकैड रेविट सीख लो, ठीक है। और आजकल तो आप ऑटोकैड और रेविट तो बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बताया, वहां से सीख लो, ठीक है। अदरवाइज हम लोग भी तो 1000 रुपए 1500 रुपए में यूनिक सिविल एप्लीकेशन पे बता रखे हैं, वहां से सीख लो, जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां से सीख के बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने के बाद अप्लाई करना स्टार्ट करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आपने बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के 15 जगह पे अप्लाई किया आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो मुझे पोर्टफोलियो भेज देना, अगर दम रहेगा तो मैं शॉर्टलिस्ट करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया आपके क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सर मुझे जल्दी जॉब चाहिए, घर वालों का प्रेशर है। कई जैसा ऐसे में बच्चे ऐसे भी रहते हैं ना कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं, ठीक है, अब उन्होंने अगर वो ईटैब या स्टेट सीख भी लेते हैं तो उस पर उनको जॉब नहीं लगने वाली है, उनको जॉब इसी इंडस्ट्री पर लगेगी, ठीक है। कई जैसा ऐसे बच्चे हैं जो कि साइट पर काम कर रहे हैं,
ठीक है, बी या बीटेक किए हुए, अब साइड पर जॉब किए हो तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आप इधर इस इंडस्ट्री में आते हो तो जल्दी से स्टार्ट कर पाओगे, फटाफट कर पाओगे। इस इंडस्ट्री में ये मैटर नहीं करता कि आपने साइड पर किया था या फिर आपने किसी कॉल सेंटर में किया था या फिर किसी अदर डोमेन में किया था, यहाँ पर डोमेन का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ अच्छी एक कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज कर लो और ये चार पांच छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बेहतरीन कैरियर बन जाएगा आपका। अगर स्ट्रक्चर में नहीं बना चाह रहे हो तो ये मेरे तरफ से एक ऑप्शन है, ले लेना, आप स्ट्रिक्ट को फॉलो करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे दिए गए मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर लेना, मैं फ्री होकर आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत गाइस।